गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल, और स्पेशल क्यों होने वाला है तो वो तो आप दोस्तों को पता लगेगा बाद में ही। तो यार अभी मैं आप दोस्तों को टाइम बताता हूँ कि टाइम आखिरकार हुआ क्या है। तो टाइम हो चुका है 12:05 हो गए हैं तकरीबन। यार 9:30 उठ गया था लेकिन व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, और अभी तक मुँह हाथ भी बिल्कुल भी नहीं धोया। और यार आज आप दोस्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा मज़े का व्लॉग होने वाला है। और यार आप दोस्तों को बताऊँ कि आज है जुमा, तो मेरी तरफ से आप दोस्तों को जुमा मुबारक। तो सब भाइयों ने आज ये करना है कि सब भाइयों ने अपने अपने प्यारों की कब्रों पर जाना है, वहाँ पर जाके फातिहा खानी करनी है और दुआ करनी है उनके लिए भी और मेरे लिए भी। तो यार व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो वो तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यार अभी यार कमरे की थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है, तो क्या क्या चेंज किया है तो वो मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये लगा हुआ है जी वॉल पर फ्लावर फ्रेम, और ये रहा जी बेड। और बेड तो यार आप दोस्त देख रहे होंगे कि चेंजेस आखिरकार है क्या की है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमने सारी चेंजेस की है। बैग रख दिए हैं इस साइड पर, और ये रहे जी कपड़े वॉश करवाए थे तो कपड़े भी वॉश होकर अपने आ चुके हैं। ये रही शर्ट पैंट और सूट वगैरह, और बाकी ये रहा जी अपना टेबल, और इसके ऊपर रखा हुआ है जी हमने यहाँ पर मिरर, और ये रही वैसलीन, और साथ में रूम फ्रेशनर, और साथ में ये रहा जी कुछ कोलगेट और बाकी कुछ सामान, और ये रहे जी अपने शूज़ और कुछ कपड़े पड़े हुए हैं यहाँ पर। और बाकी यार आप दोस्त रूम देख सकते हैं। चेंजेस यार सिर्फ यही किए हैं कि ये टेबल पड़ा हुआ था यहाँ पर और अभी ये आ गया है यहाँ पर, और बैग आ गए हैं उसकी जगह पर। लेकिन थोड़ा सा यार रूम नीट एंड क्लीन हो चुका है। Nice. अभी यार नाश्ता भी नहीं किया होगा, नाश्ता करेंगे जुमे के बाद। और जुमे के लिए यार कपड़े मैंने रात को ही रेडी कर लिए थे, तो अभी सिर्फ मैंने जाना है नहाने और कपड़े पहनने हैं, और फिर तकरीबन 20-25 मिनट बाद जुमा यहाँ पर जाएगा स्टार्ट। और अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, तो नाश्ता भी करेंगे यार जुमे के बाद। ये रही जी वो ड्रेसिंग जो कि जुमे के लिए तैयार की है, शलवार कमीज़। तो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं नहाने के लिए, बाकी मिलते हैं आप दोस्तों से नहाने के बाद ही। नहा धोकर हो चुके हैं रेडी, और यार जुमे का भी टाइम हो चुका है, तो यार टाइम ज़ाया नहीं करते तो चलते हैं जुमा पढ़ने के लिए। बाकी यार कमेंट करके बताएं कि ड्रेसिंग कैसे की लग रही है। तो ये पड़ा हुआ है जी अपना जानमास, तो भी चलते हैं जुमा पढ़ने के लिए, टाइम ज़ाया नहीं करते। 5 hours later. जुमा यार अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ लिया है, और यार खाना भी खा लिया है, और यार भूख काफ़ी ज़्यादा लगी थी तो इस वजह से यार आप दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही भूल ही गया। हमको सिखा रही है। अभी यार फिलहाल बाहर करने को कुछ भी नहीं है, तो चलते हैं अपने रूम के अंदर। कौन है रुक? बाकी यार बाहर का व्यू चेक कर सकते हैं कि हल्की हल्की धूप भी है, और ये रहा जी इसके बैक साइड पर सूरज। मौसम यार ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, नॉर्मल सा मौसम है। बाकी यार शाम की जो एक्टिविटी होने वाली है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। आप दोस्त ग्रीनरी चेक करें, कितने माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहे हैं फूल लगे हुए। अपना यार टाइम पास नहीं हो रहा था तो मैंने कहा क्यों ना यार टीवी को देखा जाए, और टीवी का रिमोट अगर देखा है तो टीवी का रिमोट हो चुका है खराब। उठा ले रे देवा। आपको तो पता है कि हम हैं पाकिस्तानी, हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं अपना काम पूरा करने के लिए। और यहाँ पर हमने रख लिया है एक फिश डेकोरेशन पीस, और ये रही इसकी बैक साइड से कोन, और मोबाइल को हम लगा देंगे इस तरह से, फिक्स कर देंगे इसके अंदर। Nice. तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? खाली मोबाइल देखने से यार अपना टाइम पास नहीं होगा, तो अपना टाइम पास कैसे होगा? तो वो मैं कुछ चीजें लेकर आया, तो वो मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ ऐसे होगा अपना टाइम पास। एक लेकर आया हूँ, ये रही कोक की बोतल, ये तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा जरूरी है टाइम पास करने के लिए। और साथ में ये रही जी एक निम्को का पैकेट, इसको रखते हैं साइड पे, और एक है यहाँ पर हमारे पास लेस का पैकेट। मोबाइल पर कुछ इंटरटेनिंग देखते हैं और अपने टाइम को पास करते हैं, और बाकी यार जो एक्टिविटी होगी तो वो आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँगा। 5 hours later. मोबाइल देखते देखते तो यार काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम पास हो चुका है, उसके साथ साथ एक थोड़ी सी और एक्टिविटी थी तो वो भी अपना काम हो चुका है कम्प्लीट। और जो हमने उसके साथ मोबाइल के साथ
मोबाइल पे इंटरटेन होते हुए हमने जो चीज़ें खाई थी तो वो मैंने डाल ली हैं इसके अंदर, खाली करके डाल ली हैं, और जो हमने कचरा फैलाया है और उसको डालते हैं अभी बास्केट के अंदर। तो चलते हैं बाहर। नाइस। ऐसे यार अंदर बैठा मोबाइल देख रहा था, बाहर निकला हूँ तो बाहर यार मौसम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा भी चल रही है। तो मैंने कहा क्यों ना एक बाहर का चक्कर लगाया जाए और आप दोस्तों को भी साथ में एंजॉय करवाया जाए। तो अभी यार बाहर निकला हूँ तो अभी देखते हैं क्या एक्टिविटी होती है, तो वो आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। बाकी यार आप दोस्तों को यहाँ की कार्स दिखाता हूँ कि क्या नेक्स्ट लेवल यहाँ की कार्स हैं। हमारे सामने एक कार देख सकते हैं कि क्या लेवल है यार कार का। कार का नाम किसी को पता है तो वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताए, और आप दोस्तों को इसका पीछे नाम लिखा होगा वो भी दिखाता हूँ। तो गाड़ी का नाम है GEELY गिली। गाड़ी यार पहले ही इतनी खूबसूरत है और साथ में यार मॉडिफिकेशन भी करवाई हुई है, क्या नेक्स्ट लेवल लग रही है। लुक देखें यार एक बार। नाइस। गाड़ी यार आप दोस्तों ने देखी वो रही जी, कहाँ पे है ये रही जी कार खड़ी, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त कार थी। और अभी चलते जाते हैं और देखते हैं यार मार्केट चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे क्या एक्टिविटी है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार। थोड़े ही फासले पर यार चलते चलते हमें एक चीज़ दिखी है, वो है ये। आप दोस्त देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा यहाँ पर कार का शोरूम है, और आप दोस्तों ने पहले भी वीडियोज़ के अंदर देखा होगा शोरूम को, और अभी आप दोस्त और पास से देखिए कितने फ्लोर हैं, आप दोस्त खुद ही काउंट कर सकते हैं। बाकी यार हमें चलना पड़ेगा अभी थोड़ा सा और, क्योंकि मार्केट है इसके ऑपोजिट साइड पर, और जाकर हमें यार एक एक्टिविटी भी मिल गई है, वो है टीवी का रिमोट ख़राब हो चुका है, तो वो ही देखते हैं कि मार्केट से मिलता है कि नहीं। अभी यार मार्केट की साइड वाली जगह पर आ चुके हैं, लेकिन हमने जाना है इसके ऑपोजिट साइड पर, और यहाँ पर मुझे दिखी है एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़, और वो सामने खड़ी हुई हैं जी सुपर बाइक्स, ये देख सकते हैं। चलते चलते हम पहुंच चुके हैं मेन पर, और यार आप दोस्तों को मेन का व्यू दिखाता हूं, और देख सकते हैं कि ट्रैफिक चल रही है, और ये सारे कैंप बने हुए हैं लेबर कैंप, ये सारे लेबर कैंप हैं, और वो सामने तकरीबन उस साइड से स्टार्ट होते हैं उस साइड से, और ये सारी लाइन लेबर कैंप की है, और देख सकते हैं ये मेन रोड है। हमको सिखा रही है। चलते चलते पहुंच चुके हैं मार्केट में, और पीछे देख सकते हैं कि हाइपर मार्केट बनी हुई है। एक भाई से पूछा है कि यार रिमोट कहां से मिलेगा टीवी का, तो उसने बताया कि आपको मार्केट से रिमोट मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं रिमोट मिलता है कि नहीं। और बाकी यार एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ देखी है, और वो क्या देखी है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो चीज़ है ये, शेवरलेट ZL1, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त यार गाड़ी है। तो बाकी यार एग्जॉस्ट चेक करें। ये रही जी मार्केट। मैं यार इधर बर्तन वाली साइड पे क्या कर रहा हूँ, तो यार हमने जाना है इलेक्ट्रॉनिक्स वाली सी जगह पर, तो अभी चलते हैं उसी जगह पर। बाकी यार अगर आ ही चुके हैं तो आप दोस्तों को यहाँ पर क्रॉकरी दिखाता हूँ, देख सकते हैं कि इस तरह के यार यहाँ पर बर्तन आपको मिलते हैं। अभी चलते हैं यार इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जगह पर, यहाँ पर पड़े हुए हैं स्नैक्स, ये भी साइड स्नैक्स की है। रही जी सहारा लेने के लिए स्टिक। ये रही डेकोरेशन बेल्स, डेकोरेशन फ्लावर बॉक्स। ये रही चॉकलेट वाली साइड, यहाँ पर आपको यार हर तरह की चॉकलेट देखने को मिल जाएगी।
तो भी यार जो चीज़ हम लेने आए हैं उस पर फोकस करते हैं, देखते हैं रिमोट कहाँ पर पड़ा हुआ है। रिमोट तो यार काफ़ी ज़्यादा ढूंढा, भाई से पूछा भी तो रिमोट तो मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी देखते हैं फिर चलते हैं घर, अगर मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बाकी अगर नहीं भी मिले तो बाकी देखते हैं कि कहाँ से मिल सकता है तो वहाँ से लेंगे। दूर से यार देख कर रहा ही नहीं गया यार, पास आने का दिल कर रहा था। बाइक यार काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, और आप दोस्तों को भी दिखाता हूँ कि कैसे के बाइक हैं, क्या कंडीशन है, कौन कौन सी बाइक है। सबसे पहले दिखाता हूँ यार आप दोस्तों को सबसे छोटी बाइक, और यार देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मिनी बाइक है, काफ़ी ज़्यादा छोटी है। कायो मोटो रफ, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बाइक है, हैवी बाइक है यार, और ये भी हैवी बाइक है। यहाँ पर जितनी भी बाइक खड़ी हैं सारी की सारी हैवी बाइक हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डुकेटी की बाइक, ब्रांडिंग चेक कर सकते हैं। एक बार यार फ्रंट से लुक देखो आप, मॉन्स्टर लुक है यार बाइक। इसके सामने कार शोरूम का साइड है, और यहाँ पर देख सकते हो कितनी ज़्यादा कार्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। कितने फ्लोर्स हैं इसके? एक ग्राउंड फ्लोर, 1, 1, 2, 3, 4 एंड 5, सारे के सारे फ्लोर्स कार से भरे हुए हैं यार। ये गाड़ियाँ यार वो वाली खड़ी हुई हैं जो कि यहाँ पर ड्राइविंग स्कूल के लिए यहाँ पर यूज़ होती हैं, ड्राइविंग टेस्ट जिसके ऊपर लिया जाता है, ये वाली वो वाली गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर। और ये है जी इनकी लाइनअप, जिसके ऊपर भी आपको यहाँ पर ऐसे के ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, ये ऑरेंज और साथ में ये यहाँ पर प्रिंटिंग, और ये यहाँ पर प्रिंटिंग आपको देखने को मिलेगी। वो गाड़ियाँ यहाँ पर टेस्ट के लिए यूज़ होती हैं, ड्राइविंग टेस्ट के लिए यूज़ होती हैं यहाँ पर ये वाली गाड़ियाँ। ليكن يومك للشعب ودادا ليكن ربك للأرض مدادا। घर जाते जाते यार अजान की आवाज़ सुनी, तो यार नमाज का टाइम हो गया था, तो नमाज अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ लिया है, तो अभी जाते जाते अंधेरा भी हमें होना शुरू हो चुका है क्योंकि अभी पढ़ी है मगरब की नमाज। तो अभी चलते हैं घर, और आप दोस्तों से मिलता हूँ घर जाकर ही। 5 hours later व्लॉग को यार एंड करना तो बिल्कुल ही भूल गया था, तो यार व्लॉग को करते हैं एंड। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा आज का व्लॉग देखकर। तो जिन भाइयों को आज का व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जिन भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपको यार आज का व्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और आप दोस्त पिछले व्लॉग्स को भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उसको लाइक कर रहे हैं, लेकिन यार चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे? चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप दोस्तों को ऐसे व्लॉग आप दोस्तों को इसी चैनल पर देखने को मिलते हैं, और आप दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो यार चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है वो तो आप समझ ही गए होंगे कि वो कौन सी वीडियो होने वाली है, तो यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।